ने आज पूरा फाइनल जो भी प्लानिंग कैलकुलेशन जो सब करके आज हम आप सबके सामने जो कंपनी की प्लानिंग है उसको रखने जा रहे हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है स्मॉल ज्वाइनिंग का, तो इसके बारे में मैं आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन करते रहेगा। अगर कुछ भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट कर दिएगा, हम एंड में ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर करने का। और ये वीडियो फेसबुक पेज पे हमेशा रहेगी, तो जो भी डाउट होंगे तो आप वापस आके इसको देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो स्मॉल ज्वाइनिंग के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा, जो मिनिमम पीवी ज्वाइनिंग अपन को चाहिए होंगे वो 1250 PV होंगे। जो फर्स्ट बिलिंग होगी किसी भी एक आईडी पे मिनिमम पीवी की, वो 1250 PV रहेंगे। आप ये जो उसके अंदर प्रोडक्ट्स रहेंगे वो ओपन चॉइस है, आप कंपनी के जो पीवी बीवी की लिस्ट है, जो प्रोडक्ट की लिस्ट है, आप उसमें से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। और आप अपने जो मिनिमम ज्वाइनिंग है 1250 PV की, उसे पूरा करके कंपनी में अपनी आईडी ग्रीन करा सकते हैं। सो मैं आपको कुछ कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ कि क्या क्या आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फेशियल किट ले सकते हैं, उससे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप एक बेरी जूस की बॉटल ले सकते हैं, जो 1 लीटर वाली अपनी बेरी जूस की बॉटल है आपकी, उससे भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप चाहे तो 300 ml वाली सिरप, जो भी अपने सिरप है उनमें से कोई भी 3 सिरप चूज करके 200 ml वाले, आप उससे भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आप कोई भी 2 500 ml के सिरप से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और बहुत ही एक और खुशखबरी की बात है, कंपनी ने एक और ऑफर निकाला है, जो अपना बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है एडिला फोर्टे। कंपनी ने उसके ऊपर एक ऑफर निकाला है, एवरी परचेज ऑफ एडिला फोर्टे 60 टैबलेट्स यू गेट अ फ्री हाई एनर्जी। जो हाई एनर्जी अपना 60 टैबलेट वाली बॉटल है, वो आपको हर एडिला फोर्टे खरीदने पर फ्री मिलेगी। तो आप एक एडिला फोर्टे से भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको उसके ऊपर एक हाई एनर्जी फ्री मिलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी की बात है वो ये 1250 PV की ज्वाइनिंग नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ वो इस, अब प्लीज़ को ध्यान से सुनिएगा। 1250 सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट है। आप 1250 PV से लेके 4999 PV तक कितने भी अमाउंट से ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहें तो 1500 PV से ज्वाइन कर सकते हैं, आप 2000 PV से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप 4000 PV से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंपनी आपको उसका 10% मैचिंग और उसका 100% मेंटोरशिप प्रोवाइड कर देगी। तो आप चाहे तो 2000 की मैचिंग करिए, चाहे आप 2500 की मैचिंग करिए, आपको उसका 10% कंपनी पे आउट के तरह आपको प्रोवाइड कर देगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान के चलिए आपकी 2300 की मैचिंग हुई, तो आपको 230 रुपीज का पे आउट मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। बहुत, आप चाहे तो आपको किसी को भी ये फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि सर आप ये वाला प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करिए। जिसको जो प्रोडक्ट लेना है, जिसको जिस तरह से ज्वाइन करना है वो कर सकता है। आपको जितनी आपकी मेहनत है, जितने आपने प्रोडक्ट्स आगे सेल किए, जितने आपने आगे प्रोडक्ट दिए, आपको उसकी पीवी मैचिंग मिल जाएगी। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड आपको किसी तरह से बाउंड नहीं किया जा रहा है। बस एक है, 1250 की मिनिमम पीवी आपको परचेज करने है। फर्स्ट परचेज आपकी मिनिमम 1250 PV की होनी चाहिए। आप चाहे तो उसके बाद आप कैसे भी अपनी आगे कर सकते हैं। आप चाहे तो 1500 PV से भी कर सकते हैं, 2000 से भी कर सकते हैं, 3000 से भी कर सकते हैं, आपको उसका 10% कंपनी प्रोवाइड कर देगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक बेनिफिशियल पॉइंट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप सामने वाले किसी के घर में गए, उस बंदे को बेरी जूस के साथ सी बकथॉर्न जूस भी लेना है। अगर ये मल्टीपल में रखा होता कि सर 1250 की कैप ज्वाइनिंग है, उसके बाद 2500 की ज्वाइनिंग है, उसके बाद 3750 की ज्वाइनिंग है, तो आपको उसको पूरा करने के लिए जबरदस्ती किसी को कोई ना कोई प्रोडक्ट देने पड़ते, वो हम नहीं चाहते हैं। तो आपको जिसको जो प्रोडक्ट लेना है आप वो प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतना सा है, मिनिमम 1250 PV आपको करने हैं। उसके ऊपर कोई और इसमें ना कोई लिमिटेशन है, ना इसमें कोई रिक्वायरमेंट है, और आपको किसी तरह से किसी को भी फोर्स नहीं करना पड़ेगा। परफेक्ट, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी जो कैपिंग रहेगी अपने जो 1250 PV से लेके 4900 PV तक जो कैपिंग रहेगी वो 1000 रुपीज़ की रहेगी। ठीक है, आप एक दिन में 1000 रुपीज़ तक अपनी मैचिंग इंसेंटिव ले सकते हैं। मेंटोरशिप में जैसे अपने बड़े वाले प्लान में कोई लिमिट नहीं थी, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। आपके 10 अगर डायरेक्ट है तो उन 10 डायरेक्ट से आपको 1000 1000 रुपये आएंगे, अगर वो सब कैपिंग पे है। अगर आपके 100 डायरेक्ट है तो उनसे भी 1000 1000 रुपये आएंगे। मेंटोरशिप पे बड़े प्लान की तरह कोई कैपिंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब लोगों के दिमाग में अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप लोग के कि सर अगर हमें कैपिंग इंक्रीज करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, या फिर हमें अपना
प्लान से 1250 जो मिनिमम जो स्मॉल पैकेज है उससे अगर हमें 5000 वाले प्लान में अपग्रेड करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। कंपनी ने इसका भी बहुत ही इजी और आप लोगों को जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए इजी और बेनिफिशियल कर सकते हैं वो किया है। सो ये कैसे वर्क करता है, मानिए आपने 1500 पीवी से कंपनी में ज्वाइन किया, ठीक है, आपके 5000 पीवी अपग्रेड करने के लिए आपको वापस पूरे 5000 पीवी की परचेज नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो आपके रिमेनिंग पीवी है, जैसे आपने 1500 पीवी से ज्वाइन किया तो आपके 3500 पीवी बचे हैं तो आपको सिर्फ वो पूरे करने हैं। अब इसमें भी ये नहीं है कि आपको वो वन शॉट में 3500 पीवी पूरे करने हैं, आप चाहे 500 एक आपने जब अपनी फर्स्ट परचेज हो गई उसके बाद आप चाहे 100 पीवी का सामान लेके आगे बढ़े, 500 पीवी का सामान लेके आगे बढ़े, 1000 पीवी का सामान लेके आगे बढ़े, कंपनी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पे कोई बाउंड नहीं कर रही है कंपनी, कोई लिमिटेशन नहीं है इस पे भी। आप अपने रिमेनिंग पीवी आपके अनुसार जिस तरह से आप पूरा करना चाह रहे हैं आप उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बार मैं इसकी समरी वापस आप लोगों को समझा देता हूँ जिससे सब एकदम क्लियर हो जाए। सो मिनिमम परचेज जो फर्स्ट बिलिंग होगी किसी भी आईडी पे वो मिनिमम 1250 पीवी की होगी, 1250 पीवी से लेके आप 4999 पीवी तक कुछ भी कर सकते हैं, बस मिनिमम ये ध्यान रखिएगा 1250 पीवी ने कंपनी में रखा है, ठीक है। जितनी आप पीवी मैच करेंगे 1250 से लेके 4999 के बीच में जितनी पीवी आप मैच करेंगे उसका 10% मैचिंग इंसेंटिव आपको दिया जाएगा और उसके ऊपर जो 100% मेंटोरशिप कंपनी देती है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसकी जो कैपिंग रहेगी वो 1000 रुपीज पर डे की है, बिल्कुल सिस्टम वही रहेगा, वीकली पे आउट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अपना डेली कैपिंग 1000 रुपीज, वीकली पे आउट रहेगा। अपग्रेड करने का जो सिस्टम है वो आपको जो आपके रिमेनिंग पीवी हैं, जैसे आपने ज्वाइन किया 2000 पीवी से फॉर एग्जांपल, तो आपके 3000 पीवी रिमेनिंग रहे बिल्कुल, तो आपको पूरे 5000 पीवी वापस नहीं करने, कंपनी नहीं चाहती जितना आप लोगों के लोड डालना। कि हम भी समझ रहे हैं जो आने वाला टाइम है बहुत ज़्यादा मुश्किल का होने वाला है, बहुत सारी लोगों के पास प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो इस समय में डे जो है आप लोगों के साथ खड़ा होना चाह रहा है, आप लोगों की जिस तरह से हम सहायता कर सकते हैं वो करना चाह रहे हैं, इसलिए हम जितना लीनियंट हो सकते हैं जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं हम वही ट्राई कर रहे हैं। सो आपने 2000 पीवी से ज्वाइन किया, सो रिमेनिंग 3000 पीवी आप कैसे भी पूरे कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको वन शॉट में पूरा कर सकते हैं या 1000 पीवी के 3 बार आप करके उसको पूरा कर सकते हैं, तो कोई लिमिटेशन नहीं है इसके ऊपर। अब इसके आगे थोड़ी और इसके ऊपर जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो भैया प्रोवाइड करेंगे, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है एंड आई होप आप ये सब लिख रहे होंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मोस्टली दिव्यांश हैज टोल्ड एवरीथिंग। अब थोड़ा सा समझते हैं टेक्निकली इसका फर्स्ट पेयर क्या रहेगा अगर हम 1250 पीवी वाले प्लान से ज्वाइन करते हैं। सो 1250 से लेके 4999 पीवी तक जो आपकी कैपिंग रहेगी वो तो 1000 रहेगी, पर इसका फर्स्ट पेयर क्या रहेगा, तो सेम सिस्टम रहेगा, 2:1 का फर्स्ट पेयर रहेगा, पर इस केस में वो छोटी वाली ज्वाइनिंग में 1250 लेफ्ट और 2500 राइट या वाइस वर्सा, फर्स्ट पेयर आपका हमेशा ऐसे ही बनेगा छोटी वाली ज्वाइनिंग में, और बड़ी वाली ज्वाइनिंग में जैसे पहले बनता हुआ आ रहा था वैसे ही रहेगा, 5000 एक साइड पे और 10000 पीवी दूसरे साइड पे। जब अपग्रेड हो जाएगा, हाँ। सो एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है, जब आप अपनी आईडी को अपग्रेड करेंगे तो बेसिकली आपके 3750 पीवी आपके ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएंगे, क्योंकि आप 5000 पीवी में एंटर हो चुके हैं और उसके क्लॉज के हिसाब से आप 5000 और 10000 पीवी आपकी 2:1 उसका होता है, तो वैसे ही यहाँ पर जैसे ही आप 5000 पीवी में अपग्रेड करेंगे वो 3750 पीवी आपके लेफ्ट या राइट साइड से किसी भी एक साइड से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली होल्ड कर लेगा। अगर और मैं इसमें एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पीवी वाले प्लान से ही ज्वाइन करना है, आप बीवी वाले प्लान से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप फर्स्ट डे से आपके पास चॉइस रहेगी, हम आप लोगों से कोई भी चॉइस नहीं छीनना चाहते हैं, आप लोगों की चॉइस है, आप लोग कंपनी में खुल के काम करिए। तो
तो आप लोग फर्स्ट ये भी चूज कर सकते हैं कि मुझे बीवी वाले प्लान से ज्वाइन करना है या फिर पीवी वाले प्लान से ज्वाइन करना है। तो आपका जो ज्वाइनिंग वाला फ्रेंचाइजी पैनल पे हमने ऑलरेडी ऑप्शन डाल दिया है। तो अगर आपको बीवी वाले प्लान से ज्वाइन करना है तो उसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। आप चाहे तो एक साबुन खरीद के भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एक आप अशप्राश लेके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बीवी वाले प्लान में कोई मिनिमम परचेज का अमाउंट नहीं है, वो सिर्फ पीवी वाले प्लान में अपने 1250 पीवी का मिनिमम अमाउंट है फर्स्ट परचेज का, और उसके बाद उसमें भी कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। फर्स्ट परचेज के बाद आप उसमें भी 100 रुपये का पीवी का प्रोडक्ट खरीद के आगे बढ़ सकते हैं। परफेक्ट, आगे चलते हैं। सो एक और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि जो हम अभी बीवी दे रहे थे, 20% हम बीवी दे रहे थे, वो एक्चुअली अब छोटे वाले प्लान में भी मिलेगा। सो बेसिकली अब क्या रहेगा कि आपकी जो भी फर्स्ट बिल होगा कंपनी में, आपने जो भी फर्स्ट बिल किया है पीवी में, वो 5000 पीवी का हो, वो 4000 पीवी का हो, या 1250 पीवी का हो, उस पर आपको 20% बीवी मिलेगा। लेट्स से एग्जांपल, अगर आपने 2000 पीवी करे हैं तो आपको उसके अगेंस्ट में 400 बीवी मिलेगा, पर इसके ऊपर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब ये समझते हैं कि इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं होगा। एक्चुअली हमने ना पिछले 1 से 2 महीने में काफ़ी सारे एनालिसिस किए, हम लोग फ्री थे, हमने सॉफ्टवेयर पे बहुत अच्छी वर्किंग करी और लोगों से बात भी करी, नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स से, टॉप मैनेजमेंट में लीडर्स से सबसे बात करी, बट एट द एंड वी केम अप विद समथिंग कि जो 1000 बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सही तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा डिस्ट्रीब्यूटर को। जो हम चाह रहे थे उस 1000 बीवी से लोगों को जो बेनिफिट प्रोवाइड हो, वो बेनिफिट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसकी एक एडवांटेज भी थी कि लोगों की जो रैंक, जो रिकॉग्निशन वाला अपना पॉइंट होता है, वो लोगों का फुलफिल हो रहा था। 1000 बीवी से लोगों की रैंक भरने में उनको हेल्प हो रही थी, तो हमने उसका वो वाला एस्पेक्ट भी रखा है। आपको आपका 20% जो भी आपकी फर्स्ट बिलिंग होगी पीवी की, आप चाहे उसको 5000 वाले प्लान से ज्वाइन कर रहे हैं आप या फिर जो छोटा वाला प्लान है, जिस भी जितनी भी आपकी फर्स्ट बिलिंग में पीवी होंगे, आपने मान के चलिए कि आपने 2000 पीवी पूरे करिए आपकी फर्स्ट बिलिंग में, तो आपको उसके 400 बीवी मिलेंगे। तो वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाएंगे, लेकिन उससे आपकी रैंक अपग्रेड होगी, आपकी जो परसेंटेज होती है रीपर्चेज वाली वो जरूर इंक्रीज होगी उससे। अच्छा, अब इसका जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हम नहीं कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसका आपको बेनिफिट उसकी जगह प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे हैं। उसकी जगह कंपनी जो प्लानिंग कर रही है वो है, हम इसकी जगह लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने रखेंगे, जो कि 5000 रुपये से लेके 5 करोड़ रुपये तक होंगे। तो इसका बेनिफिट डायरेक्टली आप लोगों को मिल सकता है। जिस जो 1000 बीवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट सही लोगों तक सही समय पर और सही तरीके से नहीं मिल पा रहा था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो उस 1000 बीवी पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था या जो भी बीवी पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था ज्वाइनिंग के टाइम पे, उसकी जगह हमने लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। जो कि रिवॉर्ड जो होंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्द विद इन अ वीक और 2 वीक्स हम आप लोगों के सामने उसको भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। सो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि कंपनी आप लोगों से कुछ छीन रही है, कुछ जबरदस्ती ले रही है, ऐसा करने का कोई विचार नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं आप लोगों के बेटरमेंट के सोच के ही कर रहे हैं। उस चीज़ का सही तरह से हम आप लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, इसलिए उसकी जगह हम उसकी उसको रिप्लेस करके लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो दे तो रही हैं, बस उस पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो आपका रैंक बढ़ने में या फिर आपका जो रिकॉग्निशन होता है उसमें कोई भी चेंज या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मूविंग फॉरवर्ड की अभी आप लोगों को, सब लोगों को प्राइज लिस्ट मिल जाएगी सेशन के बाद, नई प्राइज लिस्ट। प्राइज लिस्ट के अंदर कुछ बीवी और पीवी में बदलाव हुए हैं। उसके लिए आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना आए कि ये इतने बड़े बदलाव लग रहे हैं। सो बेसिकली जो 100% हमने पीवी दिए थे जिन प्रोडक्ट्स में, सो 6-8 महीने काम करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हम वो 100% पीवी नहीं दे सकते। सो इसलिए उन सभी प्रोडक्ट्स पे 60-70% पीवी कर दिए हैं। एंड एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट्स पे पीवी बढ़ाए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे कम किए हैं, बीवी कुछ कम किए हैं तो कुछ जगह बढ़ाए हैं। मैक्सिमम बीवी में बढ़ाया ही है, कम नहीं किया पीवी है। और बीवी दोनों मोस्टली हमने यही ट्राई किया है हम कि पीवी और बीवी बढ़ाया जाए, लेकिन जो 100% था हमें उसके 2 रीजन थे कम करने के, क्योंकि जो हम ये छोटी ज्वाइनिंग इंट्रोड्यूस करी है उसके साथ हम वो 100% पीवी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो उस कारण से आप लोगों की दूसरी तरह से हेल्प करने के कारण हमको वो पीवी थोड़े से कम करने पड़े, लेकिन उसके लिए भी हमने ये ट्राई किया है कि हम किसी प्रोडक्ट में पीवी इंक्रीज करके या फिर बीवी इंक्रीज करके आप लोगों का जो भी कोई नुकसान हो सकता था उसको हमने कैसे भी करके कम करने का ट्राई किया है। सो इसमें भी आप निश्चिंत रहें, आपको इस सेशन के बाद विद इन एन आवर जो नई प्राइस लिस्ट है वो भी हम हमारे फेसबुक पेज
और WhatsApp के थ्रू सब जगह सर्कुलेट कर देंगे। सो आप उसको देखिए, और उसको देख के आप लोगों को आई होप आप लोग खुशी होंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे हमने पीवी बीवी इंक्रीज़ किया है, किसी पे डिक्रीज भी किया है, तो उसका रीज़न मैंने आपको समझाया है। एंड आगे सो एक और चीज़ जो अब आगे की प्लानिंग है, क्या प्लानिंग है मेजरली, सो वी आर वर्किंग ऑन प्रोडक्ट्स विच आर लो प्राइस के प्रोडक्ट्स होंगे और मास कंजप्शन होगा, जिससे टर्नओवर ज़्यादा होगा, बीवी का टर्नओवर ज़्यादा होगा, कंपनी में टर्नओवर ज़्यादा होगा। सो उसी वही पूरी मेथोलॉजी है कि कैसे हम लोगों से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएँ, कुछ सस्ते प्रोडक्ट्स लेकर आएँ जो हर आदमी को हम रिकमेंड कर सकें, हर आदमी को हम दे सकें। सो यही आगे की स्ट्रैटेजी है कि जो भी आगे से प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन कम रहे पर उनकी प्राइसिंग भी बहुत ही कम रहेगी। सो मोर एंड मोर कंजप्शन लोगों को हमें आदत लगानी है हमें हमारे प्रोडक्ट्स की, सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। वी हैव टू चेंज, एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों के दिमाग में कि MLM के प्रोडक्ट्स जो मार्केट प्राइस है उससे ऊपर होते हैं, अंडर वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं, कि महंगे प्राइस होती है, क्वालिटी खराब होती है। तो इस परसेप्शन को अपन डेजॉय के माध्यम से चेंज करना है। लोगों के दिमाग में अगर कोई बोले कि यार ये MLM का प्रोडक्ट है, ये डेजॉय का प्रोडक्ट है, तो लोग दूसरी बार नहीं सोचे, प्रोडक्ट एकदम कॉम्पिटिटिव प्राइस हो और बेस्ट क्वालिटी हो। सो दिस इज आर फ्यूचर प्लानिंग, जो आने वाले प्रोडक्ट्स होंगे वो मार्केट प्राइस से एकदम कॉम्पिटिटिव, जो हर कोई कंज्यूम कर सकता है, और बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी। क्वालिटी पे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप अगर ये सोचें कि कंपनी ने प्रोडक्ट सस्ता कर दिया है तो उसकी क्वालिटी खराब कर दी होगी, आप कभी नहीं होगा। ये चीज सबसे ज्यादा हम लोग ध्यान रखते हैं, और मेरे फादर का यही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। मैंने पहले भी सेशन में बताया, मेडिसिन एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के पूरे जीवन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग दवाइयां लें, हमारे प्रोडक्ट्स यूज करें, उनकी हेल्थ बेटर हो, ना कि यहाँ पर हम पैसे कमाने के मोटिव से आएं। यहाँ पर लोगों को एक राइट प्लेटफॉर्म देने के लिए और लोगों के पास राइट प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर हैं। बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं अभी हमारे पास, उनके हमें जो अभी अमेजिंग रिजल्ट्स के वीडियोस आए हैं वो हम लोग बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। बहुत ही अच्छे टेस्टिमोनियल्स आए हैं। हमारा जो सेल्फी कॉन्टेस्ट था उसकी इतनी एंट्रीज आई है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा एंट्रीज आएगी। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है उसकी। हम बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह सर्कुलेट करेंगे, तो बिल्कुल देखिएगा आप कि प्रोडक्ट्स के क्या रिजल्ट हैं। आगे अपने जो भी आपके जिनको भी रिकमेंड कर रहे हैं उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, तो साथ में वीडियोस दिखाएगा कि क्या एक्चुअल रिजल्ट्स हैं प्रोडक्ट के, क्या टेस्टिमोनियल्स हैं। तो अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया हूँ, मैं बताता हूँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़। हाँ, जो भी अब 5000 पीवी से ऊपर पीवी होंगे, अगर हम ओपन चॉइस में करते हैं, तो क्या होता है कि 5200 पीवी हो गए, तो वो जो 200 पीवी होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके बीवी में चले जाएंगे, उनको फ्लश नहीं करेंगे कंपनी, वो आपके जो ऊपर 5000 पीवी के ऊपर जितना भी पीवी हो रहा है उसको फ्लश करने के जगह कंपनी उसको बीवी में ट्रांसफर कर देगी, तो आपको उधर बीवी की तरफ उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और जो एक ऑफर अभी चल रहा था 7000 में फेशियल किट का, उसमें थोड़ा सा बदलाव है, वो 7500 में अब फेशियल किट मिलेगा। जो भी ओपन चॉइस बिलिंग है 7500 से ऊपर की, उसके ऊपर एक फेशियल किट मिलेगा, और यही सेम पीवी में भी रहेगा, यही सेम बीवी में भी रहेगा। कोई भी 7500 रुपए की परचेज के ऊपर आपको दोनों चीजें मिलेगी। अच्छा, अब एक बहुत ही खुशखबरी की बात है जो अपने डेजॉय परिवार के लिए, हमारे लिए, आप सब लोगों के लिए एक जो बहुत ही अच्छी चीज हुई है, एक बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट किया है डेजॉय ने इन 8 महीनों के अंदर, जो कंपनीज 10 साल से भी नहीं कर पाई है, जो बहुत टाइम से काम कर रही है वो भी इस अकम्पलिशमेंट को पूरा नहीं कर पाई है। अगर आप लोग गूगल पे जाके कभी भी ये सर्च करेंगे विच आर दी टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया इन 2020, डेजॉय आपको 3rd नंबर पे दिखेगा विद इन 8 मंथ्स। ये सब अपन आप लोगों की मेहनत का फल है। विद इन 8 मंथ्स अपन top 3 कंपनीज इन इंडिया बन गए। आप सोचिए अपना आने वाला फ्यूचर कितना ब्राइट है, अपन क्या क्या करने वाले हैं, अपना विजन कितना बड़ा है आपका और हमारा। अपन को इंडिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना है, और अपन ने इंडिया का तो बहुत बड़ा एक स्टेप क्लियर कर लिया है। अपन इंडिया में ऑलरेडी 3rd बेस्ट कंपनी बन चुके हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भैया नहीं कह रहे हैं, ये आप लोग नहीं कह रहे हैं, ये गूगल कह रहा है, जिसपे दुनिया जाती है इन्फॉर्मेशन लेने, वो हमें बता रहा है कि डेजॉय इज़ दी 3rd बेस्ट कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग। तो इसको अपन को नंबर 1 पे लेके आना है बहुत जल्द, और नंबर 1 फिर इसको दुनिया में भी पहुंचाना है। सो कॉन्ग्रेट्स एवरीवन, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस अकम्पलिशमेंट के ऊपर। आई होप एवरीवन इन डेजॉय फैमिली, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये भी बहुत खुश हुए होंगे इस इन्फॉर्मेशन से। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड
नाउ एक और चीज, वो फेक नहीं है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर वो फेक है, वो गलत है। बेसिकली जिस हिसाब से सर्च इंजन चलता है, जितने ज्यादा लोग डेजॉय को सर्च करते हैं उसी के हिसाब से वो रैंकिंग आ रही है वहां पर। सो आपसे अगर कोई कुछ बोलता है कि ये गलत है या फेक है तो इट्स नॉट दैट। वहां पर 2020 में जो बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसमें से डेजॉय एक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत प्राउड की है। मतलब हम लोग दो दिन तक इसी चीज से खुश होते रहे कि ये तो गजब ही हो गया। सो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज एंड हम जितना ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, जितने ज़्यादा लोगों को हम ये चीज़ बताएंगे, बिकॉज टॉप 3 में आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन एंड थैंक यू फॉर बींग एट डेजॉय। इट गिव्स अ बहुत खुशी होती है ये जान के कि आप लोग सब ने इतनी मेहनत करी कि आज हम 3rd पे आ गए हैं, और हो सकता है कि नंबर ऑफ पीपल हमारे पास अभी कम हो, हमारे पास फील्ड फोर्स कम है लोगों की, बट बहुत जल्दी जुनून, जो काम करने का जो डेडिकेशन है डेजॉय के डिस्ट्रीब्यूटर्स में, वो साबित कर दिया है अपन ने कि वो किसी से कम नहीं है। सो बहुत जल्दी हम बहुत बड़ा नंबर गेन कर लेंगे। और ये जो आज नई अनाउंसमेंट हुई है 1250 पीवी वाली, मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट अनाउंसमेंट है, गेम चेंजर है। प्लान में एक बिल्कुल नई ब्यूटी ला दी है, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है इससे सबको, क्योंकि आप ये समझिए कि आपको पीवी मैचिंग मिल रही है, आपको किसी से, मेरे लिए इतना ईजी हो गया है कि मैं अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट लेके जाता हूँ या प्रोडक्ट का ब्रोशर लेके जाता हूँ तो मुझे उसको ये बोलना है कि 1250 पीवी से ऊपर जो तू खरीदना चाहता है खरीद ले। कितना सिंपल है ये बोलना। हम उसको रैदर बताएं कि ये खरीद या इतने ही पीवी कर, इससे अच्छा है कि हमने सिर्फ उसको ही ऑप्शन दे दिया कि तू बता कि, और उसका हमें डायरेक्ट बेनिफिट आएगा, उसका पैसा कुछ भी होल्ड नहीं होगा कंपनी में, कोई पैसा होल्ड करने के विचार में नहीं है। आपकी जितनी मैचिंग हो रही है 2000, 2200, 2500, 2800, 1500, 4000, 3000 जितनी मैचिंग हो रही है आपको उसका 10% अपने अकाउंट में शो हो जाएगा, और उसके ऊपर जो 100% मेंटोरशिप बनता है वो भी बिल्कुल दिया जाएगा। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आई होप इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी किसी को डाउट हो तो प्लीज इस वीडियो पे अपना जो भी क्वेश्चन है, कोई एग्जांपल देके आप अपना डाउट लिख सकते हैं कि सर अगर मैं ये करता हूँ तो उसका क्या होगा, तो मैं उसका पर्सनली आंसर करूंगा। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि इस चीज पे सब लोग क्लियर रहें, क्योंकि अगर दिमाग में प्लान क्लियर नहीं है जब तक अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो हमने यही ट्राई किया, जितना ज्यादा इजी और जितना अंडरस्टैंडेबल प्लान हो सकता है हमने उसको उतना किया है। सिर्फ आप लोगों को यही समझाना है कि सर फर्स्ट परचेज मिनिमम 1250 पीवी की है, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जैसे चाहें अपग्रेड करना चाहे वैसे अपग्रेड कर सकते हैं, आप जो प्रोडक्ट लेना चाहें आप वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए एंड आई होप आप लोग इससे खुश हुए होंगे। एंड मैं बहुत खुश हूँ, अगर मैं डेजॉय का डिस्ट्रीब्यूटर होता तो ये खुशखबरी सुन के मैं बड़ा खुश होता। तो जब हमने ये चीज का लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि हम ऐसा करते हैं, तो इससे ना मुझे माइंड में बहुत खुशी हुई कि लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई है ये। बेसिकली मैं कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ कि कब से इफेक्टिव होगा, पहले ये ट्यूसडे से इफेक्टिव करने की हम सोचे थे, बट देन वी थॉट कि लोगों को थोड़ा सा समय देना चाहिए हमें। जो भी अभी प्रेजेंटली किट्स पड़ी हैं फ्रेंचाइजीज में, वो सारी किट्स ऑटोमेटिकली ओपन चॉइस में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो आप सभी लोगों के पास ऑप्शन है कि अगर किसी को पुरानी वाली किट से ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है। उसके बाद 1 तारीख से हम नए सिस्टम में एंटर करेंगे नए सॉफ्टवेयर के साथ। और ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है कि 1 तारीख से आपको एक न्यू ब्रांड न्यू डेजॉय का यूजर पैनल मिलेगा सब हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को। बहुत ही उसको हमने यूजर फ्रेंडली बनाया है, उसमें आप हर तरह की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, बहुत ईजिली अपनी टीम का संभाल सकते हैं, टीम में क्या काम चल रहा है वो देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ मई से आपको अपना नया सॉफ्टवेयर पे वर्क करने का मौका मिलेगा, और साथ ही ये जो नया अपनी ज्वाइनिंग है इसको भी आप अच्छे से अब मार्केट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन हम एक बार जो हमारे पुराने जो किट रखे हैं लोगों के पास, जो पुराने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम सब लोगों को टाइम दे रहे हैं कि आप बिल्कुल अपना, जिनको पुराने वाले किट से ज्वाइनिंग करनी है वो अभी कर सकता है। 1 तारीख से पूरा अपन ओपन चॉइस पे शिफ्ट हो जाएंगे, आप ओपन चॉइस में कोई भी प्रोडक्ट लें, जितनी मैचिंग हो रही है उतनी मैचिंग लेके आप अपना पैसा कमा सकते हैं।
अब हम थोड़े क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, अगर किसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो हम चाह रहे हैं कि अभी आंसर कर दें, वरना प्लीज़ अपने क्वेश्चंस यहाँ पे कमेंट छोड़ दें या हमें फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर दें। आप कोई भी एग्जांपल के साथ क्वेश्चन दे सकते हैं कि सर मैं अगर ये करता हूँ तो क्या होता है, सो हम उसके अकॉर्डिंगली आपकी ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। सो एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी को लग रहा है। एक और चीज़ मुझे बतानी है, मेंटरशिप के लिए जो हमें बीवी की कंडीशन पूरी करनी होती है वो अभी नहीं करनी अंटिल फर्दर नोटिस। वो भी हाँ। आपको सिर्फ और सिर्फ जनरेशन पे आउट लेने के लिए जो मंथली रीपर्चेस करनी ज़रूरी होती है वही करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों ने मार्च में अपनी रीपर्चेस नहीं करी और उनको पे आउट नहीं आया तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका पे आउट बिल्कुल बना है। हम 2 महीने की क्लोजिंग एक साथ कर रहे हैं मार्च और अप्रैल की, सो आप लोगों को अपनी रीपर्चेज कर लेनी चाहिए अगले 4-5 दिन में कि आप लोगों को एक साथ मार्च और अप्रैल का पे आउट आ जाए। आई थिंक आई हैव मेड क्लियर, अगर जनरेशन का पे आउट चाहिए हमें तो हम मार्च या अप्रैल में किसी भी एक महीने में अपनी रीपर्चेज कर लें और उससे हमें हमारा पे आउट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो डिलीवरी के ऊपर एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। सो डिलीवरी का ये है, जो अपनी अर्लियर जो अपना था बीवी के ऊपर जो रीपर्चेस के ऊपर जो अपने डिलीवरी के चार्जेस थे वो सेम है, और जो छोटी वाली ज्वाइनिंग आई है अगर आपकी 1250 पीवी से नीचे की कोई भी परचेज है तो उस पर आपके डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, और 1250 से ऊपर कोई भी पीवी की शॉपिंग पे आपके कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेंगे, वो कंपनी बेयर करेगी। 1 तारीख से चालू हो रहा है 1250 पीवी वाला प्लान। समवन आस्क्ड प्लीज एक्सप्लेन 20% बीवी ऑन फर्स्ट बिल अगेन। ओके, सो 20% बीवी का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट बिलिंग में 5000 पीवी पूरे कर लिए, सो 5000 पीवी का 20% होता है 1000, 5000 का 20% 1000, तो आपको 1000 बीवी मिलेंगे। सेम तरीके से अगर आपने 1250 या फॉर एग्जांपल 2000, आपने 2000 पीवी पूरे करे फर्स्ट परचेज में आपकी जो फर्स्ट बिलिंग है तो उस पर आपको 20% मिलेगा, मतलब आपको 400 बीवी मिलेंगे। क्लियर? अगर इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। मार्च और अप्रैल में किसी भी एक मंथ करना है आपको तो आपको दोनों महीने की क्लोजिंग एक साथ होके आपके पास पे आउट आएगा। परफेक्ट, अभी तक तो सबके बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को इतना खुश देख के, आप लोगों की जो इतने टाइम से आप जो होप लगा के थे, इतनी आप जो आप लोगों की सबकी जो प्रॉब्लम्स थी उसका अगर आप लोगों को सॉल्यूशन मिला है तो ये देख के बहुत खुशी हो रही है हमें। यशपाल जी का एक क्वेश्चन है कि पीवी एंड परचेजिंग डिफरेंस नॉट जेन्युइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। यशपाल जी, हमने अभी लाइव सेशन में भी समझाया था, मैं वापस आपको एक बार बता देता हूँ। पीवी जो हमने किन्हीं प्रोडक्ट्स पे कम करे हैं वो उसका रीज़न, 2 रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा जो छोटा वाला प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन को जो चलना है तो उसके अकॉर्डिंग हम 100% पीवी प्रोवाइड नहीं कर सकते उन प्रोडक्ट्स पे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीज़न ये है, आप जो हमारे इतने एनालिसिस के बाद, 8 महीने के एनालिसिस के बाद हमने रियलाइज़ किया है जिन प्रोडक्ट्स पे हम 100% पीवी दे रहे थे वो लॉजिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सो वी हैड टू रिड्यूस इट। लेकिन हमने जहाँ पे उसको रिड्यूस किया है हमने उसकी ट्राई किया है कि दूसरे प्रोडक्ट्स में हमने उसको इंक्रीज़ करके या बीवी को इंक्रीज़ करके उसको कंपेंसेट करने का पूरा ट्राई किया है। जब आप प्राइस लिस्ट देखेंगे तो आपको और अच्छे से वो बेटर समझ आएगा। सो आप बिल्कुल इसमें निश्चिंत रहें, कंपनी जो डिसीजन लिया है वो बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के बाद और बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद लिया है। फ्रेंचाइजीज की डिलीवरी स्टार्ट है, अगर आपके आसपास कोई फ्रेंचाइजीज हैं और आप स्टॉक ले सकते हैं तो आप अपनी फ्रेंचाइजीज को बोल सकते हैं ऑर्डर लगाने के लिए। एंड अभी इंडिविजुअल डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है, मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत सारी एजेंसी से बात भी करी, वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, बट फ्रेंचाइजीज का माल निकलना शुरू हो गया है और इनफैक्ट कुछ फ्रेंचाइजीज का जो लॉकडाउन से पहले ऑर्डर था और कुछ का भी बीच में आया था, उन सबका माल निकल चुका है यहाँ से। फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर भी कंपनी वर्क कर रही है,
सो जो भी फ्रेंचाइजी होल्डर्स है और जो अपकमिंग पोटेंशियल फ्रेंचाइजी जो फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं सो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आ रही है कंपनी, तो उस पर थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी कैलकुलेशन और सॉफ्टवेयर में काम बचा है, सो वो भी बहुत जल्दी हम इंट्रोड्यूस और अनाउंस करेंगे। उसमें भी बहुत एक अच्छा इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं जिससे जो हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर्स है उनकी इनकम में एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। योगेश अग्रवाल जी बिल्कुल हिंदी में PDF इसका बन रहा है तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा फर्स्ट को मोस्टली। 2000 की दो विश्व प्रेमी जी ने पूछा है 2000 परचेज करी तो आईडी ग्रीन हो जाता है क्या सर जी? बिल्कुल, आप 1250 पीवी से ऊपर कितने की भी परचेज करें आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी। यहाँ पर सब कुछ हम पीवी में बात करें, रुपीस में नहीं, तो पीवी आपको 1250 पीवी करने हैं और आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी। दो हज़ार पीवी करने पर मैचिंग इनकम 200 होगा सर। बिल्कुल बलदीप जी, जितने की आप मैचिंग कर रहे हैं उसका 10% आपका मैचिंग इंसेंटिव होगा और उतना ही 100% मेंटोरशिप इंसेंटिव आपके स्पॉन्सर को मिलेगा। रविंद्र जी साइड कोई भी अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं विच आर लाइसेंस बाय आयुष मिनिस्ट्री और उन पे पूरी रिसर्च एंड टेस्टिंग के बाद ही अपन वो मार्केट में प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। अगर होते भी हैं तो कंपनी उन्हें ब्रोशर या फिर किसी को अगर जो प्रिकॉशन लेने होते हैं वो कंपनी ब्रोशर लीफलेट्स और बॉक्सेस पे हर जगह मेंशन करती है। सो इन केस अगर उसके अलावा भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो कंपनी से वो प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर सकते हैं। कंपनी ने इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया है, कंपनी की रिटर्न पॉलिसी आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पर डली हुई है, सो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, सिर्फ एक महीने ही करना होगा रीपर्चेस आपको दोनों महीने का पे आउट लेने के लिए। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में हम अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट द टॉपिक, दिस इज़ नॉट द टाइम, बिकॉज अभी हमें भी नहीं पता कब डिलीवरीज चालू होंगी और बिना डिलीवरीज स्टार्ट हुए कोई पॉइंट नहीं है नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने का। प्रहलाद जी, कंपनी का ब्रोशर जो अभी ऑलरेडी जो करंट प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी का ब्रोशर ऑलरेडी वेबसाइट पर डला हुआ है, आप वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे हर एक अपने ब्रांड का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है वो भी डले हुए हैं और कंपनी का ब्रोशर भी डला हुआ है, तो बिल्कुल आप वहां से चेक कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। राकेश जी बिल्कुल, इसकी प्लानिंग हो चुकी है, सो मोस्टली अब जो भी नए प्रोडक्ट्स कंपनी से जाएंगे उन सभी प्रोडक्ट्स के साथ लीफलेट उनके अंदर डल के आएगा, इनफैक्ट उसके अंदर टेस्टिमोनियल्स भी रहेंगे, उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो एक पेशेंट के लिए, जो आपके लिए, किसी भी इंसान को कन्विंस करने के लिए और उसको प्रोडक्ट की नॉलेज देने के लिए बहुत अच्छी होगी। फर्स्ट बिलिंग 2000 की ज्वाइनिंग बड़ी 2000 में जाएगा, समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन। TS ठक्कर जी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अजीत जी, जो आईडी अब अपन लगाएंगे 1250 पीवी एंड अबव वो भी ग्रीन हो जाएगी, या हो सकता है उसका कलर डिसाइड कर लेंगे, कलर कुछ और रखेंगे उसका, और ग्रीन वाली 5000 पीवी में रहेगी आईडी का कलर, एंड येलो वैसा का वैसे रहेगा जैसे लोग अगर सिर्फ ₹100 या ₹200 ₹500 या जैसे भी बीवी प्लान में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं और उनकी आईडी येलो रह जाएगी। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स कैसे होंगी? प्रोडक्ट ट्रेनिंग सारी अब ऑनलाइन होंगी, उसका बहुत जल्दी शेड्यूल बन जाएगा। सो अभी लास्ट थोड़े दिन पहले भी इकराम जी ने प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन लिया था, कल जो हमारे साथ जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं मिस्टर योगेंद्र चौधरी जी, जो बहुत सालों से इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी कल बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ही डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। तो इसी तरह से कंपनी बहुत सारे सेशन, ऑनलाइन सेशन
शेड्यूल कर रही है जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, एंड उसके बाद तो जो पूरा शेड्यूल होगा वो आप सब लोगों को प्रोवाइड किया ही जाएगा। आज़ाद जी, बाद में जो भी जब भी रिवॉर्ड आएंगे उसके बाद के टाइम से बीवी काउंट होंगे, अभी नहीं। क्लियर कर कैपिंग। बेसिकली अगर आप 5000 पीवी टच करेंगे तभी आपकी कैपिंग 2500 होगी, उससे पहले हमेशा आपकी कैपिंग 1000 रुपीज रहेगी। लेकिन मेंटोरशिप पे कोई कैपिंग नहीं है, मेंटोरशिप आपको जितने आपके डायरेक्ट है उन सबसे आपको 1000 रुपीज आएंगे, उनसे 2500 नहीं आएगा, उनसे 1000 रुपीज ही आएगा। अगर वो कैपिंग लगा रहा है, कोई 5000 पीवी से किसी ने ज्वाइन किया है और वो कैपिंग लगा रहा है, पर उसके बाद भी अगर आपकी आईडी 1250 पीवी की है तो आपको 1000 रुपये ही आएंगे। अपकमिंग प्रोडक्ट्स दो हैं जो हमारे वेयरहाउस में ऑलरेडी आ चुके हैं, एक डिशवॉशर है और एक टॉयलेट क्लीनर है, और टूथब्रशेस भी आ चुकी हैं, वो भी स्टार्ट कर दी है हमने। सो इन सब के डिलीवरीज स्टार्ट होने का ही इंतज़ार है बस। योगेश जी, एक्चुअली छोटी बॉटल्स का क्या प्रॉब्लम होता है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें क्या डोज ओरिएंटेड होती है कि इतनी डोज इंसान के अंदर जानी चाहिए तभी उसके अंदर रिजल्ट आएगा। तो जैसे अस्पराज की हमने 300 ग्राम्स रखा है तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, जैसे हमने सीबक थॉर्न और बेरी का अगर 1 लीटर रखा है तो उसके पीछे रीज़न है कि आदमी 1 महीने अगर उस पूरे कोर्स को लेता है तो उसको उस चीज़ का असर दिखना शुरू होगा। सूरज जी, अगर 4999 से करता है तो उसकी 499 पीवी मतलब 499 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस हम अभी इन लाइव सेशन पे रिप्लाई नहीं कर पाएंगे हर एक क्वेश्चन का। अच्छा, एक और नेहा जी का कमेंट देख के मुझे एक चीज़ और बतानी थी। मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। सो बेसिकली द वेट इज़ ओवर, हमारे तरफ से जो टेस्टिंग करनी थी हमें फार्म हाउस में वो सक्सेसफुल रही। सो बहुत जल्दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे। अच्छा, कमल जी का मैसेज है, फ्रेंचाइजी कमीशन भी बताइए। तो उस पर कमल जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, फ्रेंचाइजी का जो मॉडल है उस पर काम चल रहा है। थोड़े बस एक बार कैलकुलेशन और सॉफ्ट में कुछ प्लानिंग बची है, एक बार वो फाइनल हो जाए उसके बाद फ्रेंचाइजी का मॉडल भी हम बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे। 100% जो हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर है उनके लिए बेनिफिट है, उनकी इनकम बढ़ाने का हमने एक तरीका है, बहुत अच्छा हमने बूस्ट उनकी इनकम में आया, उसके लिए हमने थोड़े चेंजेस लाए हैं उसमें। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, उसको भी हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, सभी लोगों को एक ही कहना है मेरा, जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अभी अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करके, अभी जो हमारे हाथ में हैं उनके बारे में हम बात करें, उनके बारे में मैक्सिमम नॉलेज लें और उनको हम लोगों के पास पहुँचाएँ। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मैम मैं वही बोल रहा हूँ सब लोगों को कि प्रोडक्ट्स कब आएंगे ये मत पूछिए, क्या आएगा ये पूछ सकते हैं आप, कब आएगा तो ये तो मुझे भी नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज़ का आंसर कर सकता है आज के केस के साथ, आज के सिनेरियो के सामने। हाँ, तो कुछ और प्रोडक्ट्स जो ऐड हो चुके हैं, यमडम की नमकीन्स ऐड हो चुकी है प्राइस लिस्ट में, उसको भी ऐड कर दिया जाएगा और नमकीन्स हम परचेज कर सकते हैं। Trying to read. Basically, अब जो फ्रेंचाइजी का मॉडल रहेगा वो ये रहेगा कि आदमी सेल्स के ऊपर कमीशन मिलेगा उसको, पहली चीज।
दूसरा जो उसका मिनिमम अमाउंट रहेगा वो 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। 1 लाख रुपीज़ में आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, एक शहर की एक शॉप ही मिल जाएगी। ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम बिल्कुल मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा, लेकिन इस लाइव सेशन के लिए वो पॉसिबल नहीं है। सो आई होप आज आप लोग बहुत खुश होंगे, जो भी कंपनीज के न्यू अपडेट्स हैं आप उन लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा आप लोग इसके साथ काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे जो कंपनी के न्यू जो अपडेट्स हैं, न्यू तरीके हैं, इनको आप बिल्कुल अच्छे से समझिए। और फिर भी कोई डाउट आता है सो मैं इसमें जो कमेंट्स है उन सबका तो रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर कुछ और भी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या इसी वीडियो पे कमेंट छोड़ सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बीइंग द थर्ड बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। एंड घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए। और बिल्कुल अब इस मतलब अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा हमें काम का। बेसिकली अभी तक हम सोचते आ रहे थे जैसे हम काम करते हैं वैसे काम नहीं होगा, अब चीजें चेंज हो जाएगी। हमें जो अभी हम वीडियो कॉलिंग और इन सब चीजों का साथ ले रहे हैं यही चलेगा अभी काफी लंबे टाइम तक। मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें 6 महीने साल भर तक तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो उन सब चीजों को मद्देनजर देखते हैं हमें हमारी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। जो 6 महीने 8 महीने पहले जो हमारी प्लानिंग थी वो कंपनी ने अपने साइड से चेंज करी, वैसे ही जैसे आप लोगों को जो आप प्लानिंग कर रहे हैं बिजनेस को लेके उसको वापस नया रूप देना पड़ेगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय, होप टू सी यू गाइस सून। एक और बहुत जल्दी सेशन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।